बदनावर। कोरोना की दूसरी लहर में कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के माध्यम से कोरोना के दौर में जन सेवा की है, जो काबिले तारीफ है। हमारा मकसद जन सेवा करना है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने कई अपनों को खोया है। इस दौर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। यह बात भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक निजी गार्डन में आयोजित सामूहिक शोक सभा में कही। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार का बदनावर से पारिवारिक रिश्ता रहा है। सुख हो या दुख हो, सिंधिया परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, मैं यह वचन देता हूँ। क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र की जनता ने हम पर जो विश्वास जताया, हम उस पर हमेशा खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि विसंगति के समय व कठिनाई के दौर में राष्ट्रवादी सोच एवं प्रगति की सोच को अपनाकर मुखर्जी ने बलिदान का रास्ता अपनाया था। यह अंतर हम व दूसरे दलों में है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में केंद्र व राज्य की सरकार ने काबिले तारीफ कार्य कर कोरोना को रोकने का काम किया। देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। हमें विश्वास है हम तीसरी लहर को भी मात देंगे। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दतिगा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने भी संबोधित किया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री ओपीए भदौरिया, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार, मंडी बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर राजेश अग्रवाल, भाजपा जिला महामंत्री मनोज सोमानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह सोलंकी आदि मंचासीन थे। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अक्षय शर्मा, नारायण सिंह देवरा, उमेश पाटीदार, धर्मेंद्र राठौर, मुन्नालाल पटेल, पवन डोड, रमेश चंद्र यादव, अशोक सोनी, नजमी बोहरा, जितेंद्र जाट, नरेंद्र राठौर आदि ने स्वागत किया। इस मौके पर कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए लोगों की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर सामूहिक श्रद्धांजलि भी दी गयी।